ओके नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड की वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट्स एंड रिकनसिलियेशन और ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में भी समझाई थी लास्ट स्लाइड पर चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमने वहाँ पर डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि देखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर जो पेमेंट है ये आप बैंक से एक सर्विस ले रहे हैं कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल के किसी के अकाउंट में हर महीने फिक्स टर्म्स पर डिपॉजिट करते हैं तो जब आपके अकाउंट से बैंक पैसे निकालेगा और उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा तो बैंक स्टेटमेंट में तो शो हो रहे होंगे लेकिन कैश बुक में शो नहीं हो रहे तो अब आपको एडजस्टमेंट कहाँ करनी थी आपको एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक में इसी तरीके से डायरेक्ट डेबिट भी उसी तरह की फैसिलिटी है बस इसमें वेरिएबल अमाउंट्स भी होती हैं इरेगुलर टर्म्स भी होती हैं तो वही बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस शो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस शो हो रहा था यानी वहां से डिडक्ट हो गया कैश बुक से नहीं हुआ तो आपको कैश बुक में एडजस्टमेंट करनी है

जारी पता जब वो कैश ही नहीं हुआ जब वो क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक में तो ऐड नहीं होगा ना बैंक स्टेटमेंट में अब आपको कैश बुक से भी रिवर्स करना है सो तो आप कैश बुक में एडजस्टमेंट करेंगे सिमिलरली अगर आपको बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो डायरेक्टली बैंक में होगा तो बैंक में तो आ गया बैंक स्टेटमेंट शो हो रहा है कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा सिमिलरली जब आपसे इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट से डिडक्ट हो गया अब आपको कैश बुक से करना है ये जितनी एडजस्टमेंट हमने पड़ी हैं चाहे वो स्टैंडिंग ऑर्डर है या डायरेक्ट डेबिट है या बैंक चार्जेस है या डिसऑनर चेक है या बैंक इंटरेस्ट पेड है ये सब आपने कैश बुक से लेस करना है सिवाय दो चीजों के जो कि डायरेक्ट क्रेडिट है और बैंक इंटरेस्ट रिसीव ये आपने एडजस्टमेंट्स की हैं कैश बुक के अंदर इसको हम कहते हैं ये है एडजस्टमेंट रिकनसिलियेशन का मतलब ये होता है कि हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करते हैं सो देर डिफरेंस बिटवीन द एडजस्टमेंट एंड द रिकेशन हम बैंक स्टेटमेंट तो जाके ठीक नहीं कर सकते बैंक रिकंसिलिएशन कौन परफॉर्म कर रहा है बैंक परफॉर्म कर रहा है या बिजनेस परफॉर्म कर रहा है बैंक रिकंसिलिएशन इज परफॉर्म बाय द बिजनेस ये तो लॉजिकल सी बात है कि जो बैंक रिकॉन्सिलियेशन है दिस इज परफॉर्म्ड बामेंट को तो जाके एडजस्ट नहीं कर सकते हमें अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो हम अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट का ताल्लुक हमेशा आपकी कैश बुक से होगा So reconciliation is cash book versus bank statement. So remember that business is doing the bank reconciliation. Reconciliation involves comparing the cash book and the bank statement. There's a difference between the adjustment and the reconciliation. Adjustments will be made in the cash book. This can be due to the errors, omission, understatements, and overstatements. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना देखिए अभी जो चीजें हमने डिस्कस की थी स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट डायरेक्ट डेबिट पेमेंट कैश बुक से अभी तक आपने लेस नहीं की तो आपने कर दिया लेस इसी तरीके से बैंक चार्जेस एंड ब्ला ब्ला सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कैश बुक में कैश बुक में कर रहे हैं या तो वो एरर्स भी हो सकते हैं या वो अमिशंस भी हो सकती हैं या वो अंडर स्टेटमेंट भी हो सकती हैं या ओवर स्टेटमेंट भी हो सकती हैं कैश बुक में किसी चीज को आपने लेस करना था एड कर दिया ये एरर है ओमिशन का मतलब ये है कि आप वहां पर रिकॉर्ड करना ही भूल गए अंडर स्टेटमेंट का मतलब है कि रिकॉर्ड तो किया लेकिन कम वैल्यू रिकॉर्ड की ओवर स्टेटमेंट का मतलब है कि रिकॉर्ड तो किया लेकिन ज्यादा वैल्यूज रिकॉर्ड कर दी सो so, ये इस टाइप के एडजस्टमेंट हम कैश बुक में करेंगे सो देर माइट ऑल्सो बी एरर्स बाय द बैंक लेकिन गलत होगी so हम तो उसको ठीक नहीं कर सकते हम क्या करेंगे records, हम उनको कि आप जो है वो अपनी गलती को ठीक कर ले हम उनकी बैंक स्टेटमेंट जाके ठीक नहीं कर सकते है. अब आ जाते हैं जना फॉर्मूलास पे विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द बैंक रिकनसिलेशन फॉर्मूलास जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपके बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर तीन फॉर्मूलास को हम डील करेंगे अच्छा बैंक रिकंसिलिएशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये स्टेटमेंट मेथड ये फॉर्मूलास यूज कर वी आर यूजिंग स्टेटमेंट फॉर्म बहुत सारे मेथड्स हैं इसको परफॉर्म करने के सो so, मुझे लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये सबसे आसान तरीका है इसीलिए वी आर फॉलोइंग बाकी अगर आपको लगे कि कहीं भी यार आपको कोई और तरीका नजर आ रहा है जो कि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली हमने तो एग्जाम पास करना है एंड दिस मैथड सीम्स टू बी द मोस्ट ईजीएस मैथड फार्मूलाज पहले फॉर्मूले के अंदर हम कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस से कैश बुक के एडजस्टेड बैलेंस पे जाएंगे कैश बुक, है, उसमें है और उनके बारे में सवाल में बताया होगा वो कौन सी है तो हमें उसको ठीक करना होगा. So हम कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस से कैश बुक के एडजस्टेड बैलेंस पे जा रहे हैं ये एडजस्टमेंट है जैसा मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट और रिकनसिलियेशन में फर्क है सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस हमें गिवन होगा और कैश बुक बैंक एडजस्टेड का बैलेंस गिवन हो आपसे कैश बुक का मांग कैश बुक का गिवन हो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस so गिवन है और कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस मांगा हुआ तो हम फार्मूला नंबर टू यूज करेंगे अगर हमें कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस गिवन है और हमसे बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस मांगा है तो फिर हम फॉर्मूला नंबर थ्री यूज करेंगे अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मूला नंबर वन जो होता है ये है कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस से कैश बुक के एडजस्टेड बैलेंस पे आपने जाना है सो बेसिकली वी आर डूइंग हम कर रहे हैं जनाब एडजस्टमेंट्स वी आर डूइंग एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक स्टार्ट हम कहां से करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक यानी अनएडजस्टेड बैलेंस ले लेंगे अब अगेन वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि कौन सी चीजें ऐड करेंगे वो चीजें ऐड कर देंगे जो कि कैश बुक बैलेंस को बढ़ाती है यानी विच इंक्रीज इज द कैश बुक बैलेंस विच इनक्रीज इज द कैश बुक बैलेंस डायरेक्ट क्रेडिट क्योंकि किसी ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए तो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं यहाँ पे शो नहीं हो रहे ऐड कर दो सिमिलरली बैंक इंटरेस्ट रिसीव बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो गए कैश बुक में नहीं हो यहाँ एड कर दो लेस कौन सी चीजें होंगी विच डिक्रीजेज द कैश बुक बैलेंस जिसका डायरेक्ट डायरेबिट स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट बैंक चार्जेस बैंक इंटरेस्ट पेड चेक तो आपके पास निकल आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और ये कौन सा बैलेंस आ जाएगा एडजस्टेड सिंपल सी बात अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको समझानी है वो मैंने आपको क्या समझानी है कि यार ये वाला जो बेसिकली तरीका है ना इसको हम इजिली ये जो एडजस्टमेंट है इसको हम टी अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं देखिए टी अकाउंट में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम कैश बुक का अकाउंट बनाएंगे यानी बेसिकली ये कैश अकाउंट बनेगा आपके पास कैश बुक तो नहीं कहेंगे इसको हम कह देंगे ये कैश अकाउंट है ये कैश अकाउंट बन जाएगा यह बैंक लेज़र बन जाएगा देखें अब अगेन स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस क्योंकि कैश है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे होता है अब जो चीजें कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाती हैं यानी वो डायरेक्ट क्रेडिट है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि वो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाता है इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव जो है वो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाता है तो अगेन वो डेबिट साइड पे आ जाएगा जो चीजें कैश बुक के बैलेंस को कम करती हैं अभी आप वो देख लें वो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है या डायरेक्ट डेबिट है इसके अलावा जो आपके पास बैंक चार्जेज हैं, इसके अलावा जो आपके पास डिसऑनर्ड चेक है इसके अलावा आप आपके पास जो है बैंक इंटरेस्ट पेड है सिमिलरली सो so, ये आपके पास क्या होंगी ये चीजें आपने नहीं यहां से ये इसको लेस कर देना तो ये डेब क्रेडिट साइड पे आ रही है क्योंकि ये बैलेंस को रिड्यूस कर रही है कैश के बैलेंस को सो so, ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस इसको हम टी अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं ये तो हो गया सिंपल सा तरीका कि हमें सवाल के अंदर बस एक एडजस्टमेंट बताई हुई है वो हमने अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर ली अब सवाल के अंदर ओमिशंस को कैसे डील करना है एरर्स को कैसे डील करना है अंडर स्टेटमेंट्स को कैसे डील करना है ओवर स्टेटमेंट्स को कैसे डील करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये तो सीधी सीधी चीजें है ना मतलब ये चीजें रिकॉर्डेड नहीं है तो आपने रिकॉर्ड कर ली ऑमिशंस तो बहुत आसान है ऑमिशंस का मतलब ये है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जहां रिकॉर्ड होना चाहिए वहां रिकॉर्ड कर दें ये तो सिंपल सा तरीका है मतलब अगर डायरेक्ट क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डायरेक्ट क्रेडिट कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाता है तो वो बढ़ा देंगे हम उसको डेबिट साइड पे ऐड कर देंगे बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए तो बैंक चार्जेस कैश अकाउंट को कम कर देते हैं बैलेंस को तो हम उसको लेस कर देंगे बैंक इंटरेस्ट पेड रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको लेस कर देंगे ये में पता है कि जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई ओमिशंस आसान है ओमिशन का मतलब है कि वह रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जहां रिकॉर्ड होना चाहिए था वहां उसको रिकॉर्ड कर दें एरर्स एरर्स का मतलब यह है कि आपने क्या किया गलत साइड पर रिकॉर्ड कर दिया फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट क्रेडिट जो है आपको पता है वो एड होता है वट इफ कि आप डायरेक्ट क्रेडिट को लेस कर दें या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि डायरेक्ट क्रेडिट डेबिट साइड पे आता है व्हाट इफ आप डायरेक्ट क्रेडिट को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं अब ये एरर है इसी तरीके से बैंक चार्जेस लेस होते हैं यानी बैंक चार्जेस क्रेडिट होते हैं व्हाट इफ कि आप बैंक चार्जेस को ऐड कर बैंक चार्जेस को डेबिट साइड पर लिखते गलती से ये एरर है तो so एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप रॉन्ग साइड वाला एरर करेंगे ये बात आप याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं एरर के अंदर जब भी आप रॉन्ग साइड वाला एरर करेंगे गलत साइड पे लिख दिया समटाइम्स मैं ये रॉन्ग साइड वाला क्यों लिख रहा हूं समटाइम्स एग्जाम में इसी टर्म यूज की होती है कि गलत साइड पे लिख दिया ठीक है रॉन्ग साइड या रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दी अब रॉन्ग साइड और रॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब यही है रॉन्ग साइड का मतलब है कि डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया रॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब है कि एड करना था लेस कर दिया एग्जाम्पल कोई भी ले लें डायरेक्ट क्रेडिट जो है वो डेबिट साइड पे आता है और एड होता है गलती ये होगी एरर ये होगा कि आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया सो अगर आप ऐसा एरर करें कि आप किसी भी आइटम को कैश बुक के आइटम को रोंग साइड पे या रोंग ट्रीटमेंट उसकी कर दें तो ये बात याद रखिएगा कि हम उसको फिक्स करेंगे हम उसको कैसे फिक्स करेंगे फिक्स्ड विद डबल अमाउंट फिक्सड विद डबल अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड कैसे भाई मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि आपने यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं ये एक टी अकाउंट बनाते हैं यहां पे एग्जाम्पल ये जो डायरेक्ट क्रेडिट है ये यहां पे आना चाहिए था हंड्रेड का कौन सी साइड पे आना चाहिए था डेबिट साइड पे आना चाहिए था आपने गलती क्या की कि आपने इसको यहां पे नहीं लिखा आपने गलती ये कर दी कि आपने डायरेक्ट क्रेडिट को हंड्रेड क्रेडिट साइड पे लिख दिया देखिये ये जो है वो ठीक ट्रीटमेंट होती है डायरेक्ट क्रेडिट की ये इन्होंने कर दी गलत ट्रीटमेंट कि डायरेक्ट क्रेडिट हंड्रेड से डेबिट साइड पे आना चाहिए था इन्होंने डायरेक्ट क्रेडिट से क्रेडिट साइड पे लिख दिया या इस तरह लिख लें कि डायरेक्ट क्रेडिट ऐड होना चाहिए था इन्होंने लेस कर दिया अब जब इसको ठीक करेंगे हम तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए जब हम इसको ठीक कर रहे होंगे तो हमें डेबिट साइड को टू हंड्रेड से डेबिट करना होगा रीजन कि जब मैं डेबिट साइड को जब मैं डेबिट साइड को चूंकि आपने यहां को हंड्रेड से क्रेडिट कर दिया जब मैं डेबिट साइड को हंड्रेड से डेबिट करूंगा तो एक बार तो अफेक्ट इसका होगा, और दूसरी बार जो है वो, करेक्ट एंट्री सो इसलिए ये आपने याद रखना है कि जब भी आप ये वाला एरर कर दें कि आप रॉन्ग साइड कर लिख दें या रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दें ऐड को लेस या लेस को ऐड बना दें So, फिर ठीक करने के लिए वो एरर आप डबल अमाउंट से ठीक करते हैं दिस इज़ द थिंग यू शुड अब आ जाते हैं जनाब अंडर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने कम रिकॉर्ड किया सो so, ये तो आसान सी बात है फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने थे 100 की आपने 50 के रिकॉर्ड कर लिए तो so, 50 के कम रिकॉर्ड किए सो ये डिफरेंस है so, यह यह अंडरस्टेटमेंट अगर आपने की है तो आप क्या करिए जो डिफरेंस है रिकॉर्डेड ऑन द सेम साइट उसी साइट पे जितना आपने कम रिकॉर्ड किया है उसको रिकॉर्ड कर दे अगर मुझे बैंक इंटरेस्ट पेड हंड्रेड से लेस करना था मैंने एटी का किया तो ट्वेंटी का नहीं किया तो ट्वेंटी लेस कर दूंगा जो नहीं किया वो कर दें ओवर स्टेटमेंट बिल्कुल इसके है. Overstatement का मतलब ये कि आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया फॉर एग्जाम्पल वन फिफ्टी रिकॉर्ड कर दिया तो बस अब क्या ओवर स्टेटमेंट को कैसे ठीक करेंगे ओवर स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए डिफरेंसेस ऑन द ऑपोजिट साइड डिफरेंसेस ऑन द ऑपोजिट साइड एग्जाम्पल जरा समझें ये अकाउंट है मेरे पास ये कैश का लेजर है मेरे पास ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि यार बैंक चार्जेस जो हैं या डिसऑनर्ड चेक जो है वो मुझे रिकॉर्ड करना था 150 का मैंने कर दिया 200 का अब मुझे रिकॉर्ड करना था 150 का मैंने 200 का कर दिया अब मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट चार्जेस को क्योंकि ये ओवर स्टेटमेंट है 50 में ऑपोजिट साइड पे लिख दूंगा अब जब मैं 50 opposite side पे लिख दूंगा तो देखें ये ultimately 150 का रिकॉर्ड हो गया और अगर अंडर स्टेटमेंट होती है तो फिर तो आप सेम साइड पे लिख देते हैं क्योंकि वो तो आपने रिकॉर्ड ही कम किया है सो ये बातें याद रखनी है फॉर्मूला नंबर वन बाहर तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अनएडजस्टेड बैलेंस ले लेंगे फिर वो चीजें जो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाती हैं वो आप ऐड कर देंगे जो चीजें कैश बुक के बैलेंस को कम करती हैं वो आप लेस कर देंगे तो कैश बुक एडजस्टेड बैलेंस निकल आएगा और बाकी सब लॉजिकल है देखो ओमिशन का मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जहां रिकॉर्ड होना चाहिए वहां रिकॉर्ड कर दें जो भी उसकी करेक्ट साइड है एरर्स अगर आपने किए यानी ऑपोजिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया है या रॉन्ग ट्रीटमेंट आपने कर दिया है रॉन्ग साइड पर लिख दिया है तो फिर ठीक करने के लिए हमें वो डबल अमाउंट से ठीक करना पड़ेगा क्योंकि एक बार जब हम लिखते हैं वो अमाउंट तो एक बार उसका इफेक्ट कैंसिल होता है दूसरी बार वो फिर हम सही रिकॉर्ड करते हैं अंडर स्टेटमेंट का मतलब है कम रिकॉर्ड किया तो जिस साइड पे कम रिकॉर्ड किया उसी साइड पे बाकी डिफरेंस भी रिकॉर्ड कर दे ओवर स्टेटमेंट का मतलब है कि ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो फिर ऑपोजिट साइड पे आपको डिफरेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि वो एडजस्टमेंट हो जाए सो so, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अभी हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा अब आ जाते हैं जनाब हम फॉर्मूला नंबर टू पे और मैंने आपको बताया ये रिकनसिलियेशन है वी आर टॉकिंग अबाउट द हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस पे जाने हैं और दोनों एडजस्टेड है सो हम क्या करेंगे हम ले लेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्योंकि हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से जाना है कैश बुक के बैलेंस पे तो हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन होगा ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट लेस कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक अब एक बार जरा मैं दोबारा रिवाइज कर दू ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार मैंने आपको क्या बताया था आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट और अनक्लियर लॉजमेंट इसका फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला ये है या इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर Deposited in the bank but not yet cleared. आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट या अनक्लियर लॉजमेंट क्या होता है कि आपको कस्टमर से चेक रिसीव हो आप उसको बैंक में जमा करा दें लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया सो so, इसका इम्पैक्ट क्या है इसका इम्पैक्ट ये है इसका इम्पैक्ट ये है कि कैश बुक में तो ये शो हो रहा है क्योंकि आपको जब चेक रिसीव हुआ तो आपने कैश बुक में ऐड कर दिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक ये शो नहीं हुआ क्योंकि बैंक ने इसको अभी तक क्लियर नहीं किया अब आ जाते हैं जनाब अनप्रेजेंटेड चेक पे उसको भी समझते हैं दोबारा से ताकि ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से अनप्रेजेंटेड चेक्स या इसको हम आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं ये क्या है चेक गिवन टू सप्लायर चेक गिवन टू सप्लायर हमने सप्लायर को चेक दिया हमारा सप्लायर बिजनेस का सप्लायर ठीक है बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक वो सप्लायर अभी तक बैंक लेकर नहीं गया So, इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी इसकी इंप्लीकेशन जरा समझे कैश बुक से हमने ये लेस कर दिया है क्योंकि हमने ये अमाउंट पे करनी थी। तो so, जब हमने उनको चेक दिया कि ये तो बंदा अभी जाएगा हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा तो हमने कैश बुक से लेस कर दिया अभी तक वो बैंक लेके नहीं गया तो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा ये इसकी इम्प्लीकेशन है अब आप जरा फॉर्मूला देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हम कहां से कहां जा रहे हैं हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस पे जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमें गिवन है और हम कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं ठीक है जी अब क्या करना है हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर जरा देखें गौर से देखें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर यहां पर ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट तो ऐड नहीं हुई हुई ना क्योंकि अभी तक बैंक ने इसको क्लियर नहीं किया सो so, हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट ऐड कर देंगे <coughs> अब यहां देखें ये जो आउटस्टैंडिंग चेक्स थे अनप्रेजेंटेड चेक्स ये बैंक स्टेटमेंट से तो लेस नहीं हुए हुए ना अभी क्योंकि अभी तक वो बैंक लेके नहीं गए तो हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से ये लेस कर देंगे सो so, क्या निकल आएगा ये एग्जैक्टली exactly वही कैश बुक का बैलेंस निकल आएगा सो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से अगर आप कैश बुक के बैलेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट के के बैलेंस अंदर आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट ऐड नहीं हुई हुई वो ऐड कर दें और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से आउटस्टैंडिंग लेस लेस नहीं हुए हुए वो लेस कर दें तो आप कैश बुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे और अगले ही स्लाइड में इस फॉर्मूले को बिल्कुल ऑपोजिट कर दें फॉर्मूला नंबर टू को अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट कर दें तो आप फॉर्मूला नंबर थ्री पे पहुंच जाएंगे सो so लॉजिकली समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यार बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट एडेड नहीं है वो एड कर दें और आउटस्टैंडिंग नहीं हुए हुए वो लेस कर दें तो हम एग्जैक्टली कैश बुक के बैलेंस पहुंच जाएंगे सो so अगले फॉर्मूला नंबर थ्री में बिल्कुल ये ऑपोजिट चल रहा है यहां से आप समझ सकते हैं इसको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके पास कैश बुक का बैलेंस है कैश बुक के बैलेंस से आपने जाना है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे सो कैश बुक के बैलेंस में आप अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड कर दें कैश बुक के बैलेंस में अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड कर दें क्योंकि वो कैश बुक से लेस हुए हुए थे और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स लेस कर दें

तो जब हम फॉर्मूला नंबर टू में बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस पे जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट एड नहीं हुई हुई ना तो हम एड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में तो आउटस्टैंडिंग चेक क्लेक्स नहीं हुए हुए तो हम लेस कर देंगे तो कैश बुक का बैलेंस निकल आएगा और अगले पेज पे ये बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है सो so, ये है लॉजिक अब आ जाते हैं जनाब डीलिंग विद द एग्जाम क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि हमने एग्जाम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है क्योंकि असल तो बात यही है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हैं सो डीलिंग विद द एग्जाम क्वेश्चन डील विद द एग्जाम क्वेश्चन इन फॉलोइंग वे किस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द रिक्वायरमेंट पहले तो आप रिक्वायरमेंट को रीड करें कि वो आपसे मांग क्या रहा है रिक्वायरमेंट क्या है एंड सी विच बैलेंस इज रिक्वायर्ड कौन सा बैलेंस आपको रिक्वायर्ड है सेकेंडली सी विच बैलेंस इज गिवन कौन सा बैलेंस गिवन है एंड देन डिटर्म विच फार्मूला टू बी यूज कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है क्योंकि यहां पर चले जाते हैं पहले फार्मूले के अंदर हम कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक के एडजस्टेड बैलेंस पे जाते हैं तो अगर हमें कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है और मांगा भी कैश बुक का ही बैलेंस का मतलब है कि ये अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन है और एडजस्टेड बनाना है अगर हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एडजस्टेड गिवन है और कैश बुक एडजस्टेड मांगा हुआ है तो फार्मूला नंबर टू यूज करेंगे और अगर हमें कैश बुक एडजस्टेड बैलेंस गिवन है और बैंक स्टेटमेंट का मांगा है तो हम फार्मूला नंबर थ्री यूज करेंगे तो so इसीलिए देखेंगे कि रिक्वायर्ड बैलेंस कौन सा है दिया कौन सा है और फिर हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है How to deal with the omissions, errors and under or overstatement? I have already explained to you that omissions means if it is not recorded then record where it should Record where it should have been recorded. Error, if the error has been made for example recorded on the incorrect side of the ledger then rectify it with double amount on the correct side. Then you have to Overstatement rectify the difference on the opposite side. और अंडर स्टेटमेंट विद द डिफरेंस ऑन द सेम साइड ये ऑलरेडी मैं आपको बात पिछली स्लाइड में समझा चुका हूं एग्जांपल नंबर 1 देखें जी द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट फॉर अ कंपनी एट द एंड ऑफ द मे वॉज अस ऑन द बैंक अकाउंट ये बैंक स्टेटमेंट नहीं है ये बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट का मतलब वही है कि ये टी अकाउंट है और टी अकाउंट किस चीज का है ये कैश बुक का बैलेंस है अक्सर स्टूडेंट यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक अकाउंट और, और बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट है बैंक स्टेटमेंट नहीं है अकाउंट टी अकाउंट की बात हो रही है बैंक अकाउंट की बात वो नहीं हो रही है टी अकाउंट की बात हो रही है द बैलेंस ऑन द

स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट कैश बुक में एडजस्ट नहीं हुई हुई तो एडजस्ट कर देंगे ये ऑमिशन है नहीं हुई हुई तो लेस होती है लेस कर देंगे एंड द बैंक इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 15.20 हैड बीन क्रेडिटेड टू द बिजनेस अकाउंट बैंक इंटरेस्ट वो भी डिपोजिट पे तो जब डिपॉजिट करते हैं तो कौन सा इंटरेस्ट रिसीव होता है ये बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उस पर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है वो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है और ये बैंक इंटरेस्ट रिसीव कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाता है सो ये डेबिट होना चाहिए इन्होंने क्या किया हुआ है क्रेडिट किया हुआ है सो इसका क्या मतलब है कि इन्होंने इसको रॉन्ग साइड पे ट्रीट कर दिया है कैश बुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस और वो पॉजिटिव बैलेंस है 269.36 और बताया हुआ है जनाब के स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट 40 की ओमिट हो गई यानी लेस नहीं हुई तो लेस कर देंगे और ये भी बताया हुआ है कि जनाब एक बैंक इंटरेस्ट रिसीव था उसको डेबिट होना चाहिए था इन्होंने जनाब उसको कर दिया है क्रेडिट अब देखें आपने इसको ठीक करना आप कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप ले लेंगे 269.36 जो आपका बैलेंस है इसके अंदर से स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट जो है वो क्या नहीं हुई हुई लेस नहीं हुई हुई तो 40 की लेस कर देंगे और फिर ये 15.20 ऐड होना चाहिए था लेकिन ये उन्होंने लेस कर दिए यानी क्रेडिट साइड पे लिख दिया सो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ठीक करने के लिए हम डबल अमाउंट से ऐड करेंगे डबल अमाउंट डबल अमाउंट सो आपने क्या करना है आप देख लें मैंने अभी आपको तरीका समझाया कि आप ले लेंगे कैश अकाउंट और कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 269.36. अब स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट कितनी है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है हमारे पास फोर्टी

30.4 पॉइंट फोर डबल अमाउंट अब ये कितना आ जाएगा जनाब टू सिक्सटी प्लस 30.4 ये आ गया 299.76 और इसमें से अब लेस कर देंगे फोर्टी So just a minute.